अरे यार, जब से सारो जो मंगल आओ जिंदगी में, अमंगल या मंगल हो रहा हुए, खुशबू अच्छी आ रही। नीतू सुनो, मेहमान के लिए चाय बना दियो। हाओ हाओ दीदी, एक बात पूछी जो इतना अजीब आदमी है, जाई के लाने चाय बनाने का। तुम चाय बनाओ, घर आए मेहमान की कुंडली ना बनाओ, ठीक है? हाओ हाओ, चाय तो हम 2 मिनट में बना दें। हम दीदी चाय बनाए दे रहे, आप बाहर जाके पकड़ा दे। तुम कब से काम पे लगी हो? जब से हो संभाल हुए दीदी, तब से काम पे लग गए थे। हम इतने काम की बात कर रहे हैं, कल सुबह से। तुम क्या चाह रही हो? सामने को काम तो छुट्टी मिल जाएगा तुम्हें? नहीं बोलो, एक तुम पे हमने दया करके जगह में तुम्हें काम दाओ बिना अपने पति को बताए, तुम्हें एहसान मानबो चाहिए हम, ठीक है ना? चुपचाप चाय बनाओ और लेके आओ। दीदी गलती हो गई, असल में हमें लगो जा घर में कोनो मर्द ना है ना, तो ऐसे लीचड़ बहसी आदमी को बुलानो ठीक ना रहेगो। वो फिल्मन में देखो है ना, एक अजीब सो बहसी आदमी घर में घुसतो है, और एक बार ऐसो घुसतो है कि सीधी दीदी घर वालों की खबर मिलती है। दरोगा है हमारे पति, कहू की हिम्मत नहीं है जगह पे आंख उठा के देखन की। दीदी उनकी हिम्मत की तो कहो ना, सारी कहानी वहीं से तो बिगड़ी है। का मतलब? नहीं हमारा मतलब है कि अगर आपके पति घर में होते तो मतलब ऐसे लीचड़ को, जैसी शक्ल है बाकी, ऐसे लीचड़ आदमी को कभी घर में ना घुसने देते। शक्ल देखी है बाकी आपने? हमें तो ऐसा लगता है जैसे 4-6 ठैया लाशें गाड़ के आओ हुए। वो गद्दा हटवा देगा? दीदी जी मैं गद्दा कहाँ से आऊँ? तुम्हारी नौकरी की बात कर रहे हैं हम, तुम हमारी चिंता ना करो, चाय बनाने पर ध्यान दो, ठीक है? चाय बनाओ, जल्दी से लेके आओ। हाओ हाओ दीदी, बई के लाने बना दें या सबके लाने बना दें? दो एक कप बनाए लो, एक अपने लाने एक मेहमान के लाने। हम अम्मा बस चाय सूंघ लिए, कैसे सवेरे से चाय पी रहे हैं, ठीक है? जल्दी लेके आइयो। सुनो पकौड़े तल दियो, अच्छे बनाइयो, नेक्स्ट एक जब तल लियो। हाओ हाओ एक जब तल लियो। इन औरन को समझ जा, औरत हमें शुरू से पसंद ना है। पकौड़ा खिलाने के लाने मरी जा रही, पकौड़ा तल दो। जा औरत को जो ना पता कि अगर ससुर हम असली रूप में आ गए ना वो मंगल के सामने, तो वो मंगल सीधो सीधो हमें तल देगो। और सुनाओ मंगल बेटा, कौन कौन है परिवार में? अम्मा है, बाबूजी हैं, भाई है छोटा, उसकी लुगाई है, और 2 लौंडे। क्या बात कर रहे भैया, आपकी शादी ना भाई का? हमें तो लगो कि 2-4 बच्चा खेल रहे हैं। इतने साल से हम जहाँ पर थे वहाँ शादी संभव नहीं थी। है? पहाड़ में तपस्या कर रहे थे क्या? तपस्या ही समझ लो, लेकिन अब का बताई, ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसको देख के मन में शादी का लड्डू फूट जाए। चिंता ना करो बेटा, अब तुम हमारे पास आ गए, हम तो 1 मिनट में तुम्हारी शादी फोन पे फिकस कर देंगे। देखने में कितने अच्छे हैं, मीठा मीठा बोलते हो। वो तो कसम से हपुआ की जगह अगर हमारी बिटिया होती ना, तो हम तो तुम्हें अब ही अपना जवाई बना लेते। अरे संभाल के, ट्रे गिर जाए। नहीं गिरी है। अरे बताओ, शुक्र है जाके हाथ में दही ना है, ये तो इतनी हिला रही है ना कि अब तक तो लस्सी बन जाती। माफ करियो मंगल भैया जी, नहीं है ना भैया ने सामान लाओ, थैंक यू बोलो इन्हें, नहीं तो माँ अच्छा खासा सेट खराब कर देती। पिछले महीना लेके आए हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? जी 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 जी, जी वो नीतू। जी वो नीतू या सिर्फ नीतू? नीतू। बड़ी दुखियारी है बेचारी, भूखी प्यासी आए हती हमारे पास। तुम्हें तो पता है बेटा, जमाना कितो खराब है, सब ने जा पे बुरी नजर डाली। तुम्हारे घर में कौन कौन है? पूरा परिवार है भैया, लेकिन परिवार को होनो ना एक ही बराबर है। पति है, बच्चा है, और पति ना सुन बोल ना पाते है, और कुछ और दिक्कत भी आती। का दिक्कत आती नीतू?
रतों दी, असल में उन्हें 6 बजे के बाद ना कछु दिखतो ना है। कछु काम के ना काज के, दुश्मन ना नाच के। कोई काम ना करते, लेकिन हमारी मार कुटाई रोज करते। ये 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 कौन सी बीमारी है जिसमें मार कुटाई करने के लिए वापस जान आ जाती है? बेचारी तब भी अपने पति और बच्चन को संभालने के लाने शहर में काम ढूंढन आई हती। इसको कहते हैं असली औरत, जो परिवार के लिए सब दुख झेल लेगी। कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े उफ तक नहीं करेगी। जिसके लिए परिवार ही सबसे बड़ा है, परिवार ही सबसे आगे है। अरे कुछ कवि सम्मेलन चल रहा हो है। तुम का शायर हो का? शायर ना है अम्मा, हमें पहचान लेगो तो सारू फायर हो जाएगो। आज से शायद हो ही गया हूँ। पैसे नीतू कब तक ऐसे पति के संगे पिसती रहेगी? आगे बढ़ जिंदगी में, अब तो तूने काम भी करना शुरू कर दिया है। और कहाँ बढ़ जाए अम्मा? आगे बढ़ने का मतलब है कि उस मर्द को छोड़ दो जो तुम्हारी कुटाई करता है, और उस मर्द को अपना लो जो तुम्हें प्यार देना चाहता है। अब यहाँ पर भी तो सब तुम्हारा ख्याल रखने वाले ही तो हैं। तुम्हारी समस्या हमारी समस्या, तुम्हारा दुख हमारा दुख, तुम्हारी चिंता हमारी चिंता, तुम्हारे बच्चे हमारे मतलब बच्चे बुजुर्ग सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा कर नीतू बेटा, बाजार से जाके ना सब्जी ले आ और देख के लाइयो छांट के। आजकल बरसात में ना कीड़े पड़ जाते हैंगे सब्जी में। हाँ हाँ अम्मा, तुमने हमारी मन की बात कह दी, हम फटाफट ऐसे खे सकते हैं, हम मतलब निकलते हैं, ठीक है? अरे थैला तो ले जा। ना ना अम्मा, असल में थैलो अंदर मैलो है, हम पल्लू में ले आएंगे। अच्छा सुनो। हाँ? संभाल के जाना। डकैत हो रहा है बकैत। कुछ कहो का? ना ना, हम 1 किलो भाटा लेके आएंगे। मंगल बेटा, आखन आखन में बाजार छोड़ के आएगो का? शर्मा गओ लौंडा। बाजार पास में ही है क्या? ज्यादा दूर ना है, तुम पकौड़िया तो खाओ चाय तो पियो, नीतू ने बनाई है। हम क्या है ना, हवा खाते खाते चाय पीते हैं। अच्छा? अब भाई आते हैं। हाँ हाँ हाँ। उम्मा गौ माँ के पीछे गौ। संतरे कैसे दिए भैया? जो सब्जी को ठेला है, फलों को ना है, जो संतरा के भाव पूछ रहे। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा बहुत पसंदीदा फल है। तो जाको हमसे कल लेनु देनु। देखिए, इससे ज्यादा हम आपको समझा ना पाएंगे। एक बात कहें, आप एक नंबर के लीचड़ और बदतमीज आदमी हो। देखो देखो, ऐसा मत बोलो, हम कोई सड़क छाप छिछोरे आशिक थोड़ी ना है। हमें तो ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार किसी को देखा और सच्चा प्यार हो गया। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ऐसो है, हम पहले से शादीशुदा हैं। देखो, हमें पता है कि किस टाइप के आदमी से तुम्हारी शादी हुई है। अब फैसला कर लो कि तुम्हें उसके साथ रहना है या उसको छोड़ना है। हमारे चाठिया बच्चा भी है पहले से। अरे तो उनको छोड़ने को कौन कह रहा है, उनको तो हम पालेंगे ना, अपना बच्चा समझ के। पर आप हमसे अभी तो मिले हो, थोड़ी देर पहले।
वही तो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम तुमसे अभी मिले थोड़ी देर पहले। ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। कहीं इसी को तो सच्ची मोहब्बत नहीं कहते हैं? कुइयां जाको मोहब्बत ना कहते, हवस कहते हैं। छी 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 छी, कैसी बात कर रही हो तुम? हमको हल्के में ले रही हो? अरे हमारा दिल आ गया है तुम पे। अब तो तुम्हारा डोली में बैठना पक्का है, तो फैसला कर लो कि डोली में खुद बैठोगी या धक्के दे के बिठाएं। का मतलब आपको? देखो पुलिस को बुला लेंगे, हम पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस को। पुलिस? हाँ। तुम इस इलाके की पुलिस को जानती हो? हाँ। वो हप्पू सिंह? हप्पू सिंह जिसे अपने पतलून की बेल्ट बांधनी नहीं आती, वो हमको कैसे बांधेगा बताओ? देखो हम आपकी भावनाएं समझते हैं, पर असल में हम दूसरे से प्यार करते हैं। हमने अपना दिल काऊ और को दे दो। पति के अलावा? हाँ, पति को दिल से उतरे भैं जो 8-7 बीत गए, समझे? अब हम हमारो दिल तो बाकी लाने धड़क तो है। आशिक है मऊ वो चुसी गुठली? ऐसो ना बोलो, आशिक है हमाओ, प्यार करते हम बासे। हमने बदमाशी छोड़ी है, भूले नहीं है। तो भूल जाओ। क्या बदमाशी? हमें नीतू अब तो शादी इसी से करेंगे। ओ विमलेश, तुम्हारी इस किताब को पढूं, तुम्हारी भेजी हुई फोटो को देखूं, या क्या करूं? कब से विमलेश हम तुम्हारे लिए फील्डिंग लगाए बैठे हैं, अब तो कैच हो जाओ। अरे यार तू मजनू की औलाद, तू उठ पहले। आप कौन है बहन जी? अरे यार हम हैं यार। खुदी पुत्र का हुआ, इतना हुलुलाए काहे पड़े हो? अरे वो मंगल डाकू घर तक पहुंच गयो। काहे मंगल ले आयो का साथ में तुम? अरे का गोद में लेके आए का? अरे यार वो घर तक आ गयो तो दिमाग खराब करे हमें बहनी? ऐसा लग रहा हो कि हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ रही है। हम जाने की तैयारी में है यार। अरे यार जाने की तो हम भी सोच रहे हैं कि सीधे सीधे चले आए, भचाक से विमलेश को बाहू में ले ले। और तुम्हें क्या लगता है गुरु, हम अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे जाके उससे शादी ब्याह की बात कर लें क्या? चमका रहे यार तुम, ये तो सारे दोस्त की जिंदगी खतरा में, तू अपनो विमलेश पुराण चालू कर रहे हो। ये रोमांस की कीड़ा बंद कर और हम पे ध्यान दे दादा। वो मंगल डाकू ना, अरे यार वो हमें गपचने के चक्कर में पीछे पीछे बाहर तक गए, सारो पीछे पीछे आ गए। वो कसम से कह रहे अगर मार्केट में 2-4 दुकान है ना श्रृंगार की खुली होती ना, तो वहीं से सिंदूर खरीद के वो हमें बीच चौराहे मांग लाल कर दे। तो यार मांग लाल तो हम विमलेश की करना चाहते हैं। तू यार बहुत विचित्र प्राणी है, हमें कहा घबराहट हो रही है। वो मंगल डाकू ना, वो मंगल हमारे साथ दंगल खेलने के चक्कर में, हमें ऐसा लग रहा हो कि फिर जिंदगी गई। तेरे साथ जो बता, फिर कौन दारू पिएगो, कौन आएगो टिकाने, कौन के साथ पिएगो बता? हिम्मत रख, हिम्मत से ही सब कुछ होता है। और गुरु हम भी सोच रहे हैं कि हिम्मत करके इस बार ये बेनी प्रसाद बीलेल भी जाके विमलेश को उठा के ले आए हैं इसी कमरे में। कहाँ आती तुम अब तक? वो दीदी कचरा फेंकन गई हती। वो तो पहले फेंक के आई हती। ना ना वो अब की बार बेनी जी के घर को कचरा हतो फेंकन गई थी। तो तनखा कौन दे रहा हो, हम दे रहे हैं या बेनी दे रहा हो? कई काम कर रही है उनको? देवर है ना आपके, तो हम मना ना कर पाए। अच्छा आगे से मना कर दियो उनको, ठीक है? हाँ। अरे मारे मर गए अम्मी कमर दादा। कहाँ को दीदी, कहाँ कमर पिराए रही और का हम दबा दें?
हाँ दबा दे थोड़ो। हाँ थोड़ो काहे दीदी, हम तो पूरा दबा दें। दीदी औंधे लेट जाओ। हाँ अरे राम रे, अरे बाप रे, अरे बहुत दर्द हो रही दादा। हाँ हाँ अरे राम रे। इतने दर्द हो रही? आओ आओ नहीं कुत्ते ये आराम से करियो। दीदी कैसो लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, पता ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पति दबाए रहे हैं। कोई बात ना, पति समझ लो कछु समझ लो, अच्छा लगो चाहिए और आराम लगो चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर समय पति की खुशबू कहाँ से आ रही है? हो सकता है दीदी हमने नहाते टाइम पे उनको साबुन इस्तेमाल कर लो हो तो भाई की खुशबू भरी हुए। ये साबुन की खुशबू नहीं आई, आओ ना। तुम पी के आई हो का? पी के आई मतलब? पी के मतलब शराब पी के आई हो? ना ना दीदी, हम जो सब काय करन लगे, हम तो शरीफ घर की औरत हैं। ऐसो है, हमें ना सिखाओ तुम। 19 साल से जी रहे ऐसे आदमी के साथ जो रोड टिका आता है, बताए अम्मा को काम। ना दीदी असल में हमसे गलती हो गई, वो बेनी जी है ना, हम उनको कचरा फेंकन गए, कचरा जब फेंक के आए ना तो उनने हमें जूस को गिलास बोल के शराब को गिलास थमा दो, और हम वही के धोखे में ना शराब को गिलास लेके गटक गए। हमने जिंदगी में कभी जूस ना पियो, इतने पैसे ही ना आते हमारे पास तो ज्यादा नेक पी गए। हमने तो दीदी काफ़ी मना करी थी, लेकिन माना हमें जबरदस्ती गिलास दो और हमें होंठों से लगा दो और हमें पिला दे। हमसे गलती हो गई दीदी, हमें माफ़ कर दो। अच्छा तो बेनी आजकल ये सब कर रहे हैं, अकेली औरत को शराब पिला रहे, रुक जाने तो कल बताएं हम अच्छे से। ना ना दीदी आप गुस्सा ना हो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाए। तुम ज़्यादा सगी ना बनो उनकी, कछु ऊँच नीच हो जाती तो? दीदी ऊँच नीच तो हो गई। का मतलब का हो गई? हमारा मतलब है कि बेनी जी और हमारे बीच में किस चीज की ऊंच नीच? कौन ऊंच नीच ना भाई, आप टेंशन ना लो। ऐसो है, अगर अम्मा को मालूम चल गया ना तो मैं सुनाए सुना के कान से खून निकाल दी है, बस समझ में। दीदी हम नहाए के आ रहे हैं। जो कौन सा टाइम है नहाने को? मुंह धो के आ रहे हैं। तुम का बदबू आ रही ना, दो ही मिनट में आ रहे हैं। सूरज भैया, ओ हेलो, मी इज नॉट सन एंड मून, मी इज कमलेश। तू अपनी बहन से ऐसे अंग्रेजी में कब से बात करने लगो? ना मैं सूरज हूँ ना मैं चांद हूँ, मैं कमलेश हूँ। जब मैं आपका भाई नहीं हूँ तो आप मेरी बहन कैसे हो सकती हो? नीचे कर लो, माफ कर दियो। असल में हमारे भैया की पीठ पे जो तेल आते ना वो एक ठैया है, तो तुम्हारी पीठ तो तेलों से गुदी पड़ी है, तुम हमारे भैया ना हो। लेकिन एक बात कहें, हमारा भैया बिल्कुल तुम्हारे जैसो है, तो हमें बहुत प्यार करतो, तो हमारे जुल्फों से खेलतो, तो हमारे सामने दिन भर नाचतो रहतो, तो और प्यार से ना हमारे जब कंधा पे चढ़ जातो तो बहुत प्यार करतो। दो साल हो गए घर छोड़ के भाग गओ, कितने साल हो गए बाकी आवाज़ तक ना सुनी। अच्छा सुनो, हमारी खुशी के लाने एक बार, सिर्फ एक बार हमें दीदी कह दो प्यार से। दीदी समझो थोड़ी देर के लिए मैं ही आपका भाई। शर्म ना ही बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अकेले भाग गओ? अरे ये इतना भी भाई समझने के लिए थोड़ी ना बोला था। माफ कर दियो, असल में इतने दिन की हमारी भड़ास हती ना वो एक साथ निकल गई, काबू ना रहो हाथन में खुजली होने लगी, वरना ऐसो कौन हो तो है तुम्हारे जैसो।
जो एक मासूम सी दुखी औरत को अपनी बहन बोले, दीदी। अच्छा सुनो, दीदी के प्यार से गले ना लगेगो। ठीक है, आ जाओ दीदी। हमारे भैया भी ना ऐसे ही गले लगा तो तू। और सुनो, गले लगाने के बाद ना हमारे माथो चूम तो तू, हमारे जी गाल खींच तो है तू। और सुनो, हमारे बालन से खेल तो तू, देखो। दीदी दीदी। हाँ क्यूट क्यूट माय दीदी, नागिन जैसे बाल।